नमस्कार दोस्तों, एनसी टीवी पर आपका स्वागत है। चंडीगढ़ में जिस तरह से महंगाई के खिलाफ लोग इकट्ठे हुए हैं, जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के एआईसी ट्रेजरर श्री पवन कुमार बंसल हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये महंगाई बार बार बढ़ रही है, हर दिन पेट्रोल के दाम 35 बढ़ते हैं, 40 पैसे बढ़ते हैं, लगातार पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार के कहते हैं कि कान पे कोई जू रेंग नहीं रही है। मोदी सरकार ने पिछले 7 वर्षों में पेट्रोल और डीजल पे एक्साइज ड्यूटी को 99,000 करोड़ सालाना से बढ़ा के 4 लाख करोड़ कर दी है। 3 लाख करोड़ रुपया प्रति वर्ष इस पे ही ज़्यादा कमाया जा रहा है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय कीमतें तेल की, कच्चे तेल की बहुत कम हो चुकी थी। एक बार $25 पे आ गई थी एक बैरल की, जबकि यूपीए के समय $140 तक पहुंच गई थी। उस वक्त रिटेल रेट 72 रुपये था, जब 25 रुपये यहाँ हुआ तो इन्होंने उतनी ही एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। आज वो रेट बढ़ चुके हैं, लेकिन इन्होंने एक्साइज ड्यूटी कम नहीं की। लोगों को राहत अगर पहले लूटा था, उनसे पैसा वसूल किया था, अब उनका कम कर देना चाहिए था, क्योंकि रेट अंतर्राष्ट्रीय थोड़े बढ़े हैं, लेकिन आज के दिन भी वो $75 प्रति बैरल हैं। जो रेट आज रसोई गैस के कर दिए हैं, वो कभी नहीं हुए थे वो इतने रेट। और इसी के साथ साथ जितना महंगाई का असर लोगों पे पड़ा है, उसका एक सीधा आप इससे हिसाब लगा सकते हैं कि आज लोगों ने अपने खाने की चीज़ें, अपनी दवाइयों वगैरह पे अपनी खर्च कम हो गए हैं, उनके ज़बरदस्ती कम करने पड़े हैं, क्योंकि तेल के बिना वो रह नहीं सकते। सब चीज़ों का खर्च कीमत इस पर मुनसर करती है और ये बढ़ते जा रहे हैं। ये सरकार बिल्कुल लापरवाह है, बिल्कुल किसी ढंग का इसके लोगों के प्रति कोई सोच नहीं। और सिर्फ इसी चीज़ पे नहीं, तमाम आज के दिन सरकार की तरफ से जो भी कोई एक्शन होता है वो लोक विरोधी है, और ये बिल्कुल नापरवाह करते हुए लोगों की क्या राय है, लोगों की क्या सोच है, लोगों पे क्या गुजर रही है, ये अपनी धुंध में लगे हुए हैं, लोगों की सहूलतों की बिल्कुल कोई परवाह नहीं। सर, ये सरकार जब सत्ता में आई थी, नारा था बहुत हुआ महंगाई की मार, अब आएगी मोदी सरकार। राहुल गांधी जी पिछले 1 महीने से हर दिन सुबह ट्वीट करते हैं, लेकिन सरकार पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। पार्लियामेंट सेशन भी शुरू हो रहा है, पूरे देश में हम देखे चाहे एक जो डेमोक्रेटिक टेंपर कहते हैं वो यहाँ मिसिंग है। ये सरकार लोगों की भावनाएं क्या हैं उसकी परवाह नहीं करती और अपनी मनमर्जी से कर रही है। आज लोकसभा राज्यसभा बेमुआइने हो गई हैं, इंस्टीट्यूशंस सब तबाह करते जा रहे हैं, और मनमर्जी से जो कानून लाना चाहते हैं पार्लियामेंट में वो लाके धक्के से अपनी मेजॉरिटी की, अपनी बहुमत के कारण उनको पास कर लेते हैं। और जो एक परंपरा होती है लोकतंत्र का, एक बेसिक बुनियादी एक उसकी मजबूती होती है जिसमें, वो है कि चर्चा आपस में हो। इन्होंने चर्चा वाला आपस में एक डिस्कशन उसको ख़त्म कर दिया है, बल्कि डाइसेंट अगर वो अपना व्यू भी दे, कोई हैरानी नहीं होती अगर उन पे देशद्रोही के केस ठोक दिए जाते हैं। जिस तरह से लोग इकट्ठे हुए हैं, लगता है ऐसा कभी चंडीगढ़ में नहीं देखा है, जिस तरह सड़कों पे आवाम इकट्ठा हुआ है, ये खैर पूरे देश में ही देख रहे हैं, लगता है आपको कि अब कान पे जो है इनके जो जू रेंग रही है? नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। वो तो ये है कि हमें अपना एक फ़र्ज़ निभाना है, हमें लोगों की आवाज़ को बुलंद करना है, उस आवाज़ को उठाना है। ये सरकार को अगर सिर्फ इन कारण नहीं होना चाहिए, इन सरकारों को अगर अपने आज से 7 वर्ष पुराने इनके आज जो नेता, आज जितने भी वो मंत्री बने हुए हैं, उन्होंने क्या क्या अपने आगे रख के इनके पेट हमारे गैस के सिलेंडर्स और क्या क्या करके इन्होंने तमाशे नहीं किए थे उस वक्त, जबकि रेट इससे कहीं कम थे। खुद प्रधानमंत्री जी बोला करते थे उनको निकाल लें, प्रधानमंत्री जी खुद बोला करते थे, बाबे लगा लिए थे सभी को, ताकि लोगों पे जिनका असर रहता है उनको भी अपनी फौज का हिस्सा बना लिया था कि वो भी ये बातें करें। सरकार कौन सी चाहते हो जो 35 रुपये तेल देगी, आज 100 से ऊपर हो चुका है, कहाँ हैं वो सब लोग, कहाँ बातें हैं? क्या देश को यही उन्होंने एक ठान रखा है कि लोगों का बेवकूफ़ बनाते रहना है? इस कारण हम तो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, और तो बाकी समय बताएगा कैसा होगा। और मैं इस बात का यकीन है कि जब लोगों की तशद्दुद का एक अंत हो जाता है तो वो सरकार गिरती है। ये सरकार गिरेगी, जो इनका अहम है, जो इनका ह्यूब्रिस है, अपने आप को समझते हैं कि बहुत बड़े हैं, उसको चोट लगती ही लगती है किसी दिन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जिस तरह से आप इस उम्र में संघर्ष कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल, जो कि चंडीगढ़ की सड़कों पे आप एक देख सकते हैं हुजूम, पूरी चारों तरफ जनता जो है वो पब्लिक पर उठी बैठी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले कई दिनों से महंगाई की
ये जो मार है उसको लेकर लोग परेशान हैं कि न जाने कितना हुजूम सड़कों पे इकट्ठा हुआ पड़ा है। गैस, पेट्रोल, डीजल, उसकी जो बढ़ती हुई महंगाई है उसको लेकर लोगों में आक्रोश है। ये चंडीगढ़ का सेक्टर 22 सेक्टर है, जहां पर तकरीबन 2 घंटे से लोग जो हैं दोनों तरफ सड़कों पे खड़े हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आप देख सकते हैं, लेकिन लोग जिस तरह से परेशान हैं पेट्रोल और डीजल की महंगाई को लेकर, ये पूरा कारवां आप देख सकते हैं, तकरीबन 3-4 किलोमीटर का ये कारवां है। और ये हुजूम जो है ये यही कह रहा है कि पेट्रोल डीजल के दाम को वापस लिया जाए। ये लगातार कई दिनों से ये आंदोलन चल रहा है। यही नहीं, चंडीगढ़ के अलावा देश के अलग अलग राज्यों में जो खास करके कांग्रेस पार्टी है वो प्रदर्शन कर रही है। वो ये कह रही है कि ये जो महंगाई है इसने लोगों का हाल बुला कर दिया। इसके अलावा जो तेल के अलावा अभी जो दालें हैं, जो सरसों हैं, वो 200 के पार हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से महिलाएं जो हैं वो पिछले 2-3 घंटे से यहाँ पे खड़ी हैं और वो महंगाई को लेकर अपने आक्रोश का इजहार यहाँ पर कर रही है। रसोई गैस पर बड़ी मार, गैस हुई 900 के पार। तो ये आप देख सकते हैं, केवल ये चंडीगढ़ का ही मसला नहीं है, ये साथ साथ में पूरे देश में ये आक्रोश है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और ये सारा का सारा जो है लोगों की नाराज़गी इस बात से है कि ये जो महंगाई है उसने लोगों की कमर तोड़ रखी है। पिछले तकरीबन 2 महीनों से लगातार सुबह जब हम उठते हैं तो पेट्रोल और डीजल के महंगे होते हुए दामों की बढ़ोतरी देखकर हमारी नींद टूटती है। उम्मीद है कि संसद के आने वाले सत्र में इस पर हंगामा होगा। जिस तरह सड़कों पे हम देख रहे हैं हंगामा है, पूरे देश की सड़कों पर हंगामा है, तो कह सकते हैं कि शायद संसद के सत्र में इस पर भी काफ़ी बवाल मचेगा। तो कुल मिलाकर महंगाई की जो मार है उसने हर जगह सबकी कमर तोड़ रखी है। साथी कोई भी सड़क मत रोके, कभी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और रोमा चौक तक जो हमारे साथी हैं वो दोनों ही रेल में खड़े हो गए हैं। पवन कुमार बंसल, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। आग लगी है राशन में। नरेंद्र मोदी, शरण करो, शरण करो, शरण।
बंद करो, चरण नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, 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 नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, पेट्रोल डीजल का दाम कम करो, कम करो, कम करो, पेट्रोल डीजल का दाम कम करो, कम करो, कम करो, पेट्रोल डीजल का दाम कम करो, कम करो, टेरिटोरियल कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट श्री सुभाष चावला जी, वो हमारे कांग्रेस के सभी साथियों, मैं आपको सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज इस गर्मी में आपने इस जोश के साथ 11वें दिन जो कांग्रेस ने एक श्रृंखला में प्रोग्राम चलाया हुआ है महंगाई के खिलाफ अपनी आवाज उठाने के लिए, लोगों की आवाज बनके इस सरकार को झिझोड़ने के लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं, उसका आज 11वां दिन। और जैसे सुभाष जी ने कहा, आप सब जानते हैं, आपने उसमें हिस्सा लिया है, 31वां प्रोग्राम आज ये है। इसकी जरूरत इस कारण पड़ रही है क्योंकि 7 वर्षों से हिंदुस्तान में जो सरकार है, लोकतांत्रिक परंपराओं को इन्होंने ऐसी तैसी उनकी कर दी है, अगर मैं उस हिसाब से कहूँ, उनकी परवाह ना करते हुए लोकसभा राज्यसभा को बेमुआयने कर दिया, उनमें कोई बात नहीं होने देते, अपनी मनमर्जी से अपने कानून पास कर देते हैं और मर्जी से ये फैसले लोगों पे थोप देते हैं। लोकतंत्र का एक बुनियादी असूल होता है आपस में डिस्कशन, चर्चा करने का, वो आज के दिन नहीं हो रहा। और नतीजा ये है कि ये 7 वर्षों में पेट्रोल और डीजल के रेट पे जो एक्साइज ड्यूटी लगती है, इस सरकार ने उसके जरिए 7 साल पहले एक वर्ष का जो 99 करोड़ होता था, आज वो 4 लाख करोड़ से ऊपर हो गया है। यानी कि 1 साल में 3 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा हम सभी से, जो लोग गरीब हैं, बच्चे स्कूलों में कॉलेजों में जाते हैं, जिनके पास छोटे छोटे एक्टिवा है, जो लोग मोटरसाइकिलों पे कामों पे जाते हैं, जो डीजल के जरिए हमारे ट्रक ट्रांसपोर्ट चलती है, उन सभी के लिए कितना इन्होंने बजट डाला है उसका आप हिसाब नहीं लगा सकते। और ये खरीद का असर यहाँ तक पड़ा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ने, उन्होंने भी राय दी है, वो सरकारी बैंक है सबसे बड़ा, कि इसके महंगाई के कारण, पेट्रोल डीजल गैस के कारण आज आम परिवार सभी, उनको स्वास्थ्य पे जो खर्चा होता है, बीमार हो जाता है, उस पर जो खर्चा करना होता है वो नहीं कर पा रहे, जो अपने खाद्य पदार्थों पे, खाने पे जो खर्चा होता है उसको कम करना पड़ रहा है। ऐसी हालात में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, सारे दुनिया उसके, पूरे देश हमारा उसे भोगी है। हम तो उसकी आवाज़ बनके आज अपनी जगह पे चंडीगढ़ पे ये एक प्रदर्शन के रूप में हम यहाँ उस बात के लिए एकत्रित हुए। 40 रुपये आज जो हमारा डीजल का और पेट्रोल का कीमत है, उसमें 40 रुपये टैक्सों पे जाता है। क्या ये सरकार का आज के दिन बादल है ये करना? क्या इसको सरासर लूट नहीं कहा जा सकता कि लोगों को लूटने लगी हुई है ये सरकार? और एक हैरानी की बात ये है कि 1 साल में
जो इनकम टैक्स बड़े बड़े घरानों से इकट्ठे होते हैं कॉरपोरेट टैक्स, उससे ज्यादा एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल पे बनती है। और ये कहते हैं कि लोगों को टैक्स नहीं लगाए जाते, आम आदमी को। कोई भी एक देश में ऐसा इंसान नहीं जो किसी ना किसी ढंग से टैक्स नहीं दे रहा। जीएसटी के साथ क्या किया हुआ है, एक गरीब इंसान भी अगर बाजार से कुछ खरीदने जाता है तो उसको जीएसटी पे उसके हिसाब से टैक्स देने पड़ते हैं। ये सरकार बिना वजह बिना परवाह करते हुए लोगों की सहूलतों को, लोगों की जरूरतों को की अपनी मनमर्जी करते जा रही है। और दूसरी तरफ आज इस मौके पे भी हमें ये कहना होगा इतना कि लोगों के लिए अभी हमारे आज के दिन भी अभी जो पेंडेमिक ये महामारी चल रही है, देखिए क्या एक हालात कर रखे हैं प्रधानमंत्री भी। यूपी एक ऐसा उदाहरण है जहाँ लोगों के शव पानी में तैरते आपको नजर आ रहे हैं और ये जाके वहाँ सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि ये सेकंड वेव के बीच में एक अनपैरेलल्ड बेमिसाल चीज पेश कर दी है योगी जी ने। ऐसी अगर सरकार आज देश में राज कर रही हो तो हमारा ये फर्ज बनता था, और इसके लिए मैं सुभाष चावला जी को, आप सभी को बधाई देता हूँ कि आपने 11 दिनों से लगातार शहर के अलग अलग हिस्से में जाके ये प्रदर्शन किए। इसका एक निश्चित तौर पे एक असर पड़ता है। मेरे से अभी लोग पूछ रहे थे अखबार वाले इसका क्या असर पड़ेगा, मैंने कहा ये सरकार के सामने हमें मालूम नहीं क्या असर पड़ेगा। अगर एक आज के दिन यूपीए की सरकार होती तो वो इस बात को देखते हुए रेट्स को कम करती। याद होगा आपको आज के जो इनके मंत्री हैं उनमें से आधे क्या नौटंकी उस वक्त वो कर रहे होते थे अगर रेट थोड़ा सा बढ़ गया होता था। ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल का रेट उस वक्त 72 रुपए हुआ था और आज 100 रुपए से ऊपर हो गया है। और ये तब जबकि आज भी अंतर्राष्ट्रीय जो मार्केट है उस वक्त कच्चे तेल की कीमतें जो उस वक्त होती थी उससे आधी हैं, आज भी कीमतें उससे आधी हैं और आम आदमी के लिए रेट दुगने हो गए हैं। ये सरकार क्या लोगों के हित की सरकार माना जा सकता है? नहीं। इसलिए जैसे मैंने अभी कहा वही बात दोहरा के अपनी बात समाप्त करता हूँ कि आपने बखूबी एक बहुत अच्छे ढंग से अपना ये प्रदर्शन किया है और आगे को भी हमें करने होंगे। हम एक अपना फर्ज निभा रहे हैं लोगों के प्रति, और मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा आगे के लिए भी, कहीं कहीं हम इकट्ठे हो जाते थे ऐसे अगर एक लाइन बना के हम खड़ते, आप रोमा से लेके 22 सेक्टर के दूसरे अंत तक जा सकते थे। जब मैं आया उस वक्त मैंने ये देखा इकट्ठा हमें नहीं होना। आज के दिन हमें जो प्रोटोकॉल्स हैं इसके कोविड के उनका भी ध्यान रखना है। अभी ये महामारी खत्म नहीं हुई, अभी सरकार ने कुछ ऐसा नहीं कर दिया इसके लिए कि ये उड़ गई। 21 तारीख को दिखा दिया था कि 80 लाख एक दिन वैक्सीनेशन कर दी, आगे देर से भी कम रह गई है। सरकार की तैयारियां नहीं है किसी चीज के लिए, इसलिए हमें बचत अपने आप करनी। आप जहां भी इकट्ठे हों फासला रख के दूरी के साथ और अपने मास्क पहन के करें, प्रदर्शन आपको करते रहना होगा। गर्मियों के दिन हैं उसके बीच में भी आते रहेंगे आप। बस एक बार आपको फिर सभी को आज की बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसका एक कुछ असर पड़ना चाहिए, पड़ेगा नहीं मैं कह सकता, इसका पड़ना चाहिए। लेकिन चंडीगढ़ शहर के लोग जब ये देखेंगे कि कांग्रेस उनकी आवाज़ बन के आगे निकलती है, बेशक हम सत्ता में नहीं है, अपना एक फ़र्ज निभा रहे हैं, वो आपकी इस बात के लिए प्रशंसा करेंगे और कहेंगे कि हाँ आप अच्छा कर रहे हैं। जैसे अच्छा आपने एक एक पेट्रोल पंप पे जाके लोगों से हस्ताक्षर करवाए, उनसे समर्थन लिया, उस ढंग से किया जैसे आपने महामारी के दौरान वस्तुएं बांटी, दवाइयां बांटी, मास्क बांटे, लोगों में अवेयरनेस जागरूकता कैंप लगाए। इस हिसाब से हमें बेहिसाब प्रोग्राम करते रहने होंगे। एक प्रोग्राम काम करके ख़त्म नहीं हो जाता। ये सरकार जो बोली है अंधी है, सुनती नहीं, देखती नहीं, अपने धुन में लगी रहती है। उसको उठाना, उसको जगाना, उसे काम लेना हमारा फर्ज बन जाता है और हमें वो फर्ज निभाना है। आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत बधाई आज के इस कामयाब प्रोग्राम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
आपने देखा अभी कुछ देर पहले हमने पवन कुमार बंसल से बात की, उन्होंने कहा कि सरकार जो है वो टैक्स के रूप में इतने पैसे इकट्ठे कर ली है, उसके बावजूद जो है जहां तेल के दाम कम होने चाहिए वहां हर जगह 100 से पार है। और ये बहुत लोगों के लिए बहुत आक्रोश करने वाली बात है कि जहां एक तरफ कोरोना के मार से लोग वैसे ही परेशान थे, दूसरी तरफ इस माहौल में दामों का बढ़ाना अपने आप में दर्शाता है कि सरकार जो है वो लोगों के चिंता की बात नहीं सुनती है। इस बुलेट में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए एनसीटीवी। नमस्कार।